पहली तस्वीर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के जयपुर और सीकर वाले घर के बाहर की है, जहां आज सुबह सुबह ईडी ने दस्तक दे दी। वहीं ईडी ने समन भेजकर कल सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। चुनाव की तैयारियों में व्यस्त सीएम गहलोत खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने ईडी की तुलना आतंक से कर डाली। आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीजी पेजन का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रहा है। गहलोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद बीजेपी ने भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमान खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने संभाली और गहलोत के गुस्से को बेटे के लिए बौखलाहट की संज्ञा दे दी। लेकिन जब उनके पुत्र के द्वारा किए गए आर्थिक अनियमितता पर कोई जांच होती है, उस पर वो तिलमिला करके प्रतिकूल बयान देते हुए प्रतीत होते हैं कि तिलमिलाहट आज और बौखलाहट आज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मॉरिशस से हवाला के जरिए पैसा जाना और रीरूट होकर के पैसा आना इस प्रकरण से जुड़े हुए। वहीं ईडी के समन पर वैभव गहलोत ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस कार्रवाई को राजस्थान चुनाव से प्रेरित बताया। चुनाव के समय इनको सब याद आता है, ईडी सीबीआई। हम तो शुरू से कहते आए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है जिस जिस राज्य में, वहाँ पे केंद्र की भाजपा सरकार ईडी को साथ साथ ही भेजती है चुनाव। दरअसल बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि वैभव गहलोत ने व्यापारिक उपक्रमों का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद किया है। अब इस मामले की पूछताछ के लिए ईडी ने वैभव गहलोत को दिल्ली तलब किया है। दूसरी तरफ आज गहलोत के खासम खास और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड की। गोविंद डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई राजस्थान पेपर लीक केस से जुड़ी हुई है। पिछले महीने भी ईडी ने राजस्थान में कलाम कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए संचालकों पर छापेमारी की थी। उस दौरान गोविंद डोटासरा ने आरोप लगाया था कि ईडी उनके करीबियों को परेशान करने के लिए ये छापेमारी कर रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये जो कलाम कोचिंग सेंटर है, इसमें डोटासरा के जो बेटे हैं वो संचालक मंडल में शामिल हैं। कार्रवाई शुरू होने के बाद गोविंद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते लिखकर प्रतिक्रिया दी। हालांकि उनके घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर केंद्र का विरोध किया। राजस्थान में ईडी की छापामारी और सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई और उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर में सिविल लाइन स्थित उनके घर के बाहर पहुंच गए। कहा जा सकता है कि राजस्थान की सियासत में जो गुरुवार की सुबह थी उसने एक भूचाल ला दिया। ईडी की कार्रवाई के बीच गोविंद डोटासरा का पुराना बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। जिना फिरे ईडी फिरे सीबीआई फिरे इनकम टैक्स फिरे मेरो के पूंछ पाड़ लियो भाई, के कर लियो मेरो और के कर ले मेरो।